दोस्तों म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं और इस 5 लाख रुपए से आप बनाना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए का फंड, तो इससे आप कितने टाइम के अंदर 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं? या फिर अगर आप यहाँ पर अपने लिए कोई 5 बेस्ट प्लान ढूंढना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना है, वो भी सिर्फ 5 लाख रुपए का निवेश करके, तो आप कौन से फंड का चुनाव करेंगे? या फिर अगर आप 10,000 रुपये महीना निवेश करते हैं और इससे आपका टारगेट है 1 करोड़ रुपये फंड बनाने का, तो इससे आप कितने दिन में बना लेंगे? तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में 5 बेस्ट प्लान लेकर आए हैं, जिसके अंदर अगर आपका टारगेट 1 करोड़ रुपये फंड बनाने का है तो इसे आप पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड्स प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक से एक बेस्ट प्लान मिल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमें जो रिटर्न है वो कंपाउंड मिल जाता है और कंपाउंड रिटर्न से हमारे जो पैसे हैं कम, उसकी वैल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर बेनिफिट हमें यही मिलता है कि यहाँ पर हम कम पैसे से एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके 5 बेस्ट प्लान की बात करते हैं, और यहाँ पर हमने दोस्तों 5 बेस्ट प्लान लिए हैं अलग अलग कैटेगरी के। यहाँ पर हमने एक प्लान लिया है स्मॉल कैप कैटेगरी में, एक हमने मिड कैप कैटेगरी का प्लान चूज़ किया है, एक लार्ज कैप कैटेगरी का प्लान है, एक यहाँ पर हमारे पास मल्टी कैप कैटेगरी का प्लान है, और यहाँ पर एक हमारे पास इंडेक्स प्लान भी है। यहाँ पर हम अलग अलग कैटेगरी के प्लान के इसलिए बात करें कि किसी प्लान के अंदर आपको रिटर्न कम मिल सकता है, या फिर किसी प्लान के अंदर आपको जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है, जिससे आपके पैसे की वैल्यू काफ़ी तेज़ी से दोस्तों बढ़ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए हमने जो फंड चूज़ किया है वो है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, यानी कि यहाँ पर जो भी पैसा है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक हैं उनमें ही पैसे को निवेश किया गया है। इससे दोस्तों क्या है कि यहाँ पर फंड के अंदर जो रिटर्न है वो कंपाउंड काफ़ी बेहतरीन मिला है। आप देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट 3 ईयर का फंड का जो रिटर्न है वो काफ़ी शानदार 33.78% है, लेकिन अगर हम दोस्तों ऑल टाइम की बात करते हैं तो फंड ने 26.71%, लास्ट 5 ईयर में फंड का रिटर्न 29% और लास्ट 1 ईयर में भी फंड ने 52.33% का रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों ऑल टाइम के चार्ट पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर फंड के अंदर करेक्शन भी कई बार आए हैं। अगर हम एक बड़े करेक्शन की बात करें तो ये 2020 के अंदर एक बड़ा करेक्शन आया था, या फिर इसके अलावा यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कई बार करेक्शन देखने के लिए मिले हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी का दोस्तों ये ऐसा फंड है जिसने लगातार जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है 26% का, यानी कि यहाँ पर आपके पैसे की वैल्यू लगातार 26% के हिसाब से बढ़ी है, जिससे आपके पैसे की वैल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। अगर आप 5 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर इस स्मॉल कैप फंड में आप 1 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड फंड जो हमने चूज़ किया है वो है SBI का मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्राफ्ट ग्रोथ, यानी कि यहाँ पर जो भी पैसा है वो मिड कैप कैटेगरी के जो स्टॉक हैं उनमें पैसे को निवेश किया गया है, जिसकी वजह से दोस्तों रिटर्न फंड ने लगातार काफ़ी बेहतर दिया है। लास्ट 3 ईयर में फंड का रिटर्न 23.09% है, लेकिन अगर हम लास्ट 5 ईयर की बात करते हैं तो फंड ने रिटर्न दिया है 23%, और अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो फंड का रिटर्न 20% है, और एक साल में फंड का रिटर्न शानदार 36.80% है। यहाँ पर दोस्तों इसके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक हैं वो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक हैं, जिनमें पैसे को निवेश किया गया है, जिसकी वजह से इस फंड ने रिटर्न लगातार काफ़ी बेहतरीन दिया है। शॉर्ट टर्म में फंड के अंदर करेक्शन ज़रूर आया है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर फंड का रिटर्न काफ़ी बेहतरीन है। इस फंड के अंदर भी यहाँ पर मिड कैप कैटेगरी में अगर आप 5 लाख निवेश करते हैं तो 1 लाख रुपए का इस फंड के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा फंड जो हमने लिया है यह दोस्तों डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों लास्ट 3 ईयर में फंड का रिटर्न 23.50% है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑल टाइम की तो फंड ने रिटर्न दिया है 16.39%, लास्ट 5 ईयर में 19% और लास्ट 1 ईयर में फंड का रिटर्न 40% से ज़्यादा है। दोस्तों अगर हम ऑल टाइम पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर फंड के अंदर करेक्शन कई बार आए हैं। बड़ा करेक्शन 2020 में आया था स्टॉक मार्केट के करेक्शन की वजह से, लेकिन अभी फंड अपने ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड्स के अंदर करेक्शन आते रहते हैं, इसके लिए आपको ज़रूर तैयार रहना चाहिए। दोस्तों फोर्थ फंड हमारे पास है ICICI प्रू का ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पर अगर हम फंड के रिटर्न की बात करें तो फंड ने लास्ट 3 ईयर में 20.38% का रिटर्न दिया है, लेकिन अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो फंड का रिटर्न 16.60%, लास्ट 5 ईयर में 19% और लास्ट 1 ईयर में फंड का रिटर्न 42% से ज़्यादा है। इस फंड के अंदर भी आप जितना पैसा निवेश कर रहे हैं, 5 लाख अगर आप निवेश कर रहे हैं लमसम, तो 1 लाख रुपए इस फंड के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों फिफ्थ फंड हमारे पास है टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। यहाँ पर दोस्तों लास्ट 3 ईयर का फंड का रिटर्न 14.76% है, लेकिन अगर हम फंड के रिटर्न की बात करते हैं ऑल टाइम की तो यहाँ पर फंड ने रिटर्न काफ़ी अच्छा दिया है 13% का, लास्ट 5 ईयर में 15% और लास्ट 1 ईयर में फंड का रिटर्न 29% से ज़्यादा है। लेकिन
दोस्तों अगर आप निवेश करते हैं यहाँ पर इस प्लान में भी, तो 5 लाख अगर आप निवेश कर रहे हैं तो 1 लाख इस फंड के अंदर आप डाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने 5 फंड डिस्कस किए हैं, उनमें से आपको हर एक फंड के अंदर 1 लाख रुपये का निवेश करना है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टाइम में एवरेज रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर आपके पैसे पर रिस्क ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। इसी तरह मिड कैप कैटेगरी के अंदर भी रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न यहाँ पर भी अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको लार्ज कैप और ब्लू चिप कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनमें रिटर्न कम मिल सकता है। लेकिन सबका रिटर्न मिलाकर अगर आपको एवरेजन 18% का रिटर्न मिल जाता है और यहाँ पर आप 5 लाख रुपये निवेश करते हैं और 1 करोड़ रुपये फंड बनाने का टारगेट आप रखते हैं, तो इसे कितने टाइम में पूरा कर सकते हैं पहले हम ये कैलकुलेट करके भी समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था, आपको लमसम पैसा निवेश करना है 5 लाख रुपये। यहाँ पर 18% रिटर्न अगर आपको एवरेजन इन सभी फंडों में निवेश करने के बाद मिल जाता है और आप 20 साल तक इस पैसे को निवेश कर देते हैं 5 लाख रुपये को, तो यहाँ पर आपके पास 1,31,000 रुपये रिटर्न के साथ कुल 1,36,000 रुपये का फंड होगा। यानी कि यहाँ पर आप सिर्फ 5 लाख रुपये निवेश करके अगर आपको 18% रिटर्न मिल जाता है तब भी आप 1,36,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। इसमें से आपको LTCG टैक्स होगा 10%, ये देना होगा और उसके बाद सारा पैसा ये आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 5 लाख रुपए भी नहीं है लेकिन आप 10,000 रुपये महीना निवेश कर सकते हैं, तब आप 1 करोड़ रुपए का फंड कितने टाइम में बना सकते हैं इसे भी हम चेक करके समझते हैं। दोस्तों यह है एक SIP कैलकुलेटर। यहाँ पर हम दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 10,000 रुपये महीना निवेश करते हैं 17 साल तक और आपको 18% का रिटर्न मिल जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो रिटर्न है वो करीब 1,34,00,000 रुपये का मिल सकता है। यानी कि यहाँ पर आपके पास कुल मिलाकर 1,13,00,000 रुपये का फंड होगा और आप निवेश करेंगे 20 लाख रुपए का। दोस्तों अगर हम ईयर वाइज चेक करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको कैसे 17 साल में 1 करोड़ रुपए का फंड मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि 5 साल में आपके पास 9,80,000 रुपए होंगे, 8 साल के बाद आपके पास 21 लाख रुपए होंगे 10,000 रुपए महीना निवेश करते रहने से, 10 साल में आपके पास 33 लाख होंगे, 12 साल में 51 लाख रुपए, 15 साल में 91 लाख रुपए और 18 साल में आपके पास 1,60,00,000 रुपए का फंड होगा। इसी तरह अगर आप जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको एक बड़ा फंड मिल जाएगा। यहाँ पर 35 साल तक अगर आप 10,000 रुपये महीना निवेश करते हैं तो 35 करोड़ रुपये का फंड भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर आपके पैसे पर रिस्क ज़रूर होता है, इसलिए आप जब भी निवेश करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ज़रूर ले लें। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।